हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है IBPS की तरफ से RRBs में ऑफिस असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये काफी अवेटेड वैकेंसी होती है। पर ईयर स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको बम्पर सीट इसलिए बताई ना क्योंकि टोटल आपका 6000 के करीब सीट रहने वाला है। IBPS के बारे में तो आप सभी को पता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आपका डिफरेंट वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS है। RRB क्या होता है? आपका रीजनल रूरल बैंक। ये आपका ऑल ओवर इंडिया में ना अलग अलग स्टेट में क्षेत्रीय आपका जो लोकल बैंक्स होते हैं ना उसके लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपके 43 होने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, क्लर्कियल पोस्ट होती है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैंने वहां पर अपलोड कर रखा है। जाइए, आपको मिल जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके लिए फॉर्म फी क्या रहेगा। फ्रेंड्स, जनरल EWS OBC से 850 रुपीज़ लिया जाएगा, वहीं पर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 175 रुपीज़। अप्लाई की डेट जो है बहुत जल्द ये वैकेंसी ऑनलाइन होने वाली है। 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 28 जून रहेगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि IBPS और SSC पर ईयर ना अपना एग्जाम कैलेंडर अनाउंस कर देती है, तो IBPS ने भी कर दिया है जिसमें बताया गया है कि इसका आपको प्री और मेंस का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिस असिस्टेंट की जो प्रीलिम्स की एग्जाम है ना आपका 3 अगस्त से 18 अगस्त, ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे चलेगा, अलग अलग डेट है, वो आपको एग्जाम कैलेंडर में मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। मेंस का पेपर एक ही दिन होगा, 6 अक्टूबर को। आई होप इम्पॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग आप सारा कुछ समझ गए होंगे। अब बारी आती है एज लिमिट की। तो एज किस डेट से कैलकुलेट होगा? एज ऑन 1 जून 2024, मतलब 1 जून 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 35 वर्ष 18-35 ईयर्स के सभी कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। एज में रिलैक्सेशन मिलता है, अपर एज में OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। अब बारी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सिंपली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर आर्ट साइंस या कॉमर्स है, तीनों ही स्ट्रीम के पास आउट कैंडिडेट, परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आपको पता है कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करें, अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखें आप कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आ रहा हो। सेकेंड चीज होता है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये तो इसके रिगार्डिंग सारी की सारी बेसिक डिटेल्स थी जो कि क्लियर हो चुकी है। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, किन स्टेज से गुजरने के बाद सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, आपका ना सिलेक्शन यहाँ पर बहुत आसान है, बिना किसी इंटरव्यू के, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग एग्जाम की पैटर्न को डिटेल्स में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स का देख लेते हैं। प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए रहेगा, समय आपका 45 मिनट का होता है और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का। इसमें दो ही सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में पूछा जाता है, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन। फिर जब आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो आपका मेन्स एग्जाम होता है, ये भी ऑनलाइन होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें 200 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, समय रहता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मैक्सिमम मार्क्स के लिए है, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मैक्सिमम मार्क्स के लिए है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 40 मार्क्स के लिए,
लैंग्वेज पेपर की अगर बात करें तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन 40 मैक्सिमम मार्क्स के लिए। लास्टली न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 50 मार्क्स के लिए। आई होप एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे। तो सिलेक्शन है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान। एग्जाम की सेंटर आप जिस रीजन के लिए अप्लाई करोगे उस रीजन में एग्जाम सेंटर पड़ता है, और आपका जब सिलेक्शन होता है तो सर्वे उसी रीजन में करना होता है। सर्विस के दौरान शुरुआत में आपकी सैलरी क्या होती है, देखिए ये सैलरी आपकी शुरुआत की है, ये अलग अलग सिटीज अलग अलग स्टेट के लिए डिपेंडेबल है। 11,775 यानी 12,000 से लेके 31,540 रुपए तक शुरुआती सैलरी होती है। बाद में इसकी सैलरी में अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपको अच्छे से पोस्ट के ऊपर क्लर्कियल पोस्ट के ऊपर बैंक में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए अपने तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए, क्योंकि वैकेंसी जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा रहा है, और इसका सारा प्रोसेस पर ईयर टाइमली कराया जाता है। आई होप इसकी सारी डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, मन में कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करके जाना है, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।